अच्छा तो आप लोग इसे बोलते हो कैंपिंग करना? यार मेरे को डेली की डेली एक या दो कमेंट देखने को मिल ही रहे थे जिसमें आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई आपकी कौन सी ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप हर एक सीजन ग्रैंड मास्टर इजीली अचीव कर ले रहे हो। बता। सो मेरा सीधा सा आंसर रहने वाला है, ये नुबड़ा बंदी तो मैं नहीं करता हूँ। किसी भी घर की छत के ऊपर जा करके कैंपिंग वगैरह या फिर इस लेवल की कैंपिंग तो आज तक मैंने कभी भी नहीं करी एंड होप सो ना ही करनी पड़ेगी। मगर क्यों? बट एक श्योरिटी तो मैं आप लोगों को जरूर दे सकता हूँ कि आप लोग आज की इस वीडियो को देखने के बाद जो है ना कैंपिंग का मतलब समझ जाओगे एंड मेरी सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स समझ जाओगे जिसके बाद आप लोग ना हर एक सीजन इजीली ग्रैंड मास्टर लगा लोगे एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ने वाला है। और हाँ, कैंपिंग सिखाने से पहले जो है ना आपको एक बात और बता दूं कि आप लोग मुझे कमेंट में बोल दो कि भाई आप पे तो गन स्किन है, हम पे तो है ही नहीं। तो लो भाई, मैंने गन स्किन अपनी सारी अनइक्विप कर दी तो अब मेरे पास भी गन स्किन नहीं है, हम दोनों इक्वल हो चुके हैं। अब हम लोग के पास कोई बहाना नहीं, तो अब आ जाओ रैंक पुशिंग की ओर। कैंपिंग या फिर सर्वाइविंग करने से पहले जो है ना आपके पास बेस्ट करेक्टर स्किल होना चाहिए जो कि मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूं। सबसे पहले जो आपको लगा लेना है के करेक्टर एंड के के बाद आपको यूज करना है लिक्वेटा करेक्टर का एंड आपको थर्ड करेक्टर स्किल के अंदर यूज करना है मीशा का जो कि आपको जोन के अंदर बहुत हेल्प करेगी एंड उसके बाद आपको फोर्थ के अंदर यूज करना है मारो का। आप मारो की जगह जो है एलीट एंड्रो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और हां गाइस, आप लोग जो है पेट के अंदर कोई सा भी पेट ले सकते हो, मैंने यहां पे मूनी पेट लिया है, आप लोग कोई और पेट भी ले सकते हो। एंड गाइस उसके अलावा जो लोड आउट के अंदर जो है आपको सिर्फ लेग पॉकेट का इस्तेमाल करना है। अभी तो सिर्फ मैंने आपको करेक्टर स्किल वगैरह बता दी है लेकिन आगे वीडियो के अंदर आपको बहुत ही तगड़ी तगड़ी चीज बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। ओके। अब आप लोगों का ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, डायरेक्टली वीडियो की ओर चलते हैं ऐड के बाद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत ही कमाल की वेबसाइट के बारे में बताना चाहूंगा। इस वेबसाइट का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाने के बाद जो आपको अपना फेक इंस्टाग्राम के आईडी को यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, फेक इंस्टाग्राम के आईडी को ही लॉगिन करना। उसके बाद कैसे आपको नीचे की साइड में जाना है, आपको सेंड फॉलोअर्स का ऑप्शन मिलेगा। सेंड फॉलोअर्स जाने के बाद अपना ओरिजिनल अकाउंट डालना, जैसे कि मैंने ओशान गेमिंग डाला है। उसके बाद अपने अमाउंट टाइप करना जितने आपको फॉलोअर्स चाहिए एंड फॉलोअर्स डालने के बाद आपके इंस्टेंटली फॉलोअर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत ही कमाल की वेबसाइट है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको मैं लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ मेरे फॉलोअर्स आने कैसे स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हो कि मेरे इंस्टेंटली यहाँ पे 25 फॉलोअर आ चुका है, मतलब 25 फॉलोअर इंस्टेंटली मेरे यहाँ पे आ जाते हैं। फटाफट से जाओ अपने फॉलोअर्स गेन करने स्टार्ट कर दो। वैसे सच बताऊं तो मुझे जो है ना कैंपिंग या फिर सर्वाइविंग करने का जरूरत ही नहीं पड़ता क्योंकि मेरा ऐसा लॉबी आता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ओशान भाई आप ऐसा लॉबी लेकर के कैसे आते हो। वो सीक्रेट अगर ट्रिक जानना चाहते हो ना तो 1500 लाइक कंप्लीट करवा दो, सिर्फ 1500 लाइक्स, एंड उसके बाद जो है आपको बॉट लॉबी का ग्लिच बता दूंगा। ये मेरा बिल्कुल एवरेज सा लॉबी है जबकि मैंने कोई इसके अंदर जो है ना कोई ग्लिच या फिर कोई ट्रिक भी यूज नहीं करी है, मैंने उसके बावजूद भी ऐसा लॉबी आ रखा है और वो कैसा रखा है वो आपको उस वीडियो में पता चलेगा। 1500 लाइक कंप्लीट कराओ। अब मैं आप लोगों को ना सारी की सारी ट्रिक्स जो है ना लैंडिंग वगैरह से लेकर सब बताने वाला हूं। अब गाइस अगर आप लोगों को जो है सर्वाइव करना सीखना है तो आप लोगों को स्टार्टिंग से जो है ना सर्वाइव नहीं करना है, आपको कॉम्बैट फाइट लेना है। लाइक आपको जो स्टार्टिंग से बहुत खतरनाक खेलना है जिसके लिए आप लोग लैंड करो अपने ब्लू जोन के अंदर, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर आपको जो ना 3 मिनट का रिवाइवल टाइम मिलता है जिसके अंदर आप लोग अगर मर जाते हो तो आप लोग रिवाइव हो पाओगे एंड बाय एनी चांस आप लोग वहां पे किसी को मार देते हो तो आप लोगों की इसके बाद जिंदा बहुत अच्छी रूट रहेगी। और अगर नहीं जिंदा रह पाओगे तो कहीं इधर उधर जाना, लाइक जो है सर सेफ प्लेस पे जाना जहां आपको एक या दो घर मिल जाए एंड प्रॉपर सा लूट भी मिल जाए। अब यहाँ पे फॉर्चुनेटली जो है ना यहाँ पे मेरे साथ कोई भी लैंड नहीं करता है ब्लू जोन के अंदर, लेकिन आपके साथ बहुत बंदे लैंड करेंगे। मेरा बिकॉज ऑफ एवरेज लॉबी है तो यहाँ पे मेरे सामने एक साइड में एक बंदा है एंड जैसे हम पहले पूरा क्लियर करेंगे, ये एनिमी जस्ट थोड़ा सा डैमेज खाते के साथ ही पता नहीं कहाँ निकल जाता है, बट मेरे अकॉर्डिंग इस घर के अंदर बैठा होगा। बस आइडिया मारा, तुक्का मारा और इजिली यहाँ पे बैठा हुआ था, इजिली फिनिश कर दिया, पे पहला किल मेरा निकल जाता है। एंड गाइस आपको पहले बता दूं मेरे लॉबी से आप लोग अपने लॉबी जज मत करना, बेसिकली मैंने एक ट्रिक यूज कर रखी, आप लोगों ने वो ट्रिक यूज नहीं करी है तो आपकी ऐसी लॉबी नहीं आएगी, आपकी बहुत हार्ड लॉबी आएगी। तो स्टार्टिंग के अंदर आप लोग एक ट्रिक अप्लाई और कर सकते हो कि आप लोगों को जो है ना या तो सेफ लैंड करना है या फिर बहुत तगड़ी जगह पे लैंड करना है जहां आपको परफेक्टली लूट मिल जाए एंड इतना कॉन्फिडेंट होकर गेम खेलना है कि आपको कोई मार ना पाए। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ओशान भाई आपने तो बोला कि यार आप जो है सिर्फ कैंपिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हो। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जो आपको पूरी की पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ कि किस पोजीशन में जाकर आपको कैंप करना है या फिर नहीं करना है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग ही बोल दिया था वो नुबड़ापंथी मैं आपको नहीं सिखाने वाला हूँ। सो अब जो है ना वो बंदा यहीं पे दोबारा से लैंड करता है एंड जस्ट वो ऊपर की साइड में एक बार जाकर के हम चेकआउट कर लेते हैं कि वो एनिमी ऊपर ही है, क्योंकि उसके पास गन वगैरह नहीं है तो मेरे पास यहाँ पे एडवांटेज रहेगा उसको फिनिश करने का। सो अभी तक तो वो बंदा मुझे नहीं दिखा, लेकिन एक बार नीचे चलते हैं और वो बंदा दिख गया। मेरा डाउट था एंड इस बार अगेन इसने हेड खा लिया, बहुत डैमेज है, बहुत ज्यादा डैमेज है और इजिली फिनिश हो गया। एंड यहाँ पे अगेन एक ही बंदे को दो बार ही मारने के बाद 2 किल मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। अब जिस भी आप लोकेशन पर लैंड करते हो अगर आपको परफेक्टली लूट वगैरह मिल जाता है एंड एनिमीज वगैरह भी नहीं मिलते हैं और या फिर मिल जाते हैं, एक एस्टिमेट मानते हैं यहाँ पे आपको मिल गया एनिमी,
बहुत सारे एनिमी है, तब आप लोग ना एक लोकेशन पकड़ लो, जैसे कि कोई छत वगैरह पकड़ लो जहाँ पे कोई बंदा ना पाए, एंड आप लोग सीढ़ियों पे ध्यान रखो। या फिर जो आप एक काम कर सकते हो, अगर एनिमीज नहीं आए हैं तो तब आप लोग वहाँ पे प्रॉपरली खुले में लूट करो, और उसके बाद जो है आपको क्या करना है वो आप लोग सीखो। ब्लू जोन से प्रॉपरली लूट लेने के बाद जो है ना, मैं वहाँ से जो है 7th एनिवर्सरी के इवेंट में आ जाता हूँ। एंड आपको एक बात और बता दूँ, 7th एनिवर्सरी का जब तक इवेंट चल रहा है तब तक आप लोग ना ये वाला कट्टा जरूर परचेस करना, क्योंकि ये कट्टा ही आपको जो है गेम बॉय निकलवा देगा। सीरियसली मतलब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ओवर पावर कर दिया गया है और बहुत जल्दी हट जाएगा, तो उससे पहले पहले इसका बेनिफिट उठा लो जितना उठा सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि सचमुच बस इसी कट्टे की वजह से आप लोग गेम बॉय निकाल सकते हो और कुछ नहीं। एंड उसके अलावा सर्वाइविंग के अंदर जो है ना, 7th एनिवर्सरी का जब तक ये इवेंट चल रहा है तब तक आप लोग ना क्या कर सकते हो, लाइक देखो आप लोग टाइमर देखो, वहाँ पे 30 सेकंड आपको जो और मिल रहे हैं यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, तो आप लोग जितना अपना टाइम जहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो वहाँ पे इन्वेस्ट करो। अब यहाँ पे मुझे कोई मार नहीं सकता, दैट्स यहाँ पे जो ना पूरे के पूरे 30 सेकंड अब यहाँ पे होल्ड करके फिर नीचे जाऊंगा, एंड नीचे कहाँ जाऊंगा वो भी आप लोग देख सकते हो। गाइज मुझे पता है आप लोग अभी तक भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो, क्योंकि मैंने वीडियो का नाम रखा है कैंपिंग एंड मैं हर वक्त जो है रश कर रहा हूँ, और अब तो मैंने हद ही कर दी है, पीक के अंदर आ चुका हूँ। अब ये सब कुछ करने का मेरा सिर्फ एक मेन मोटिव है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्टार्टिंग के अंदर काफ़ी अच्छी खासी गिल निकाल लूँ, क्योंकि गाइस मेरा जो है ना ग्रैंड मास्टर रैंक है बट आपका नहीं है। इसी रीजन से जो है मेरी बातों पे ट्रस्ट करो, एंड गाइस आप लोग शांति से जो है ना जस्ट वॉच आउट करते रहो। सो यहाँ पे जस्ट ना आप जब भी किसी भी बहुत ही तगड़ी लोकेशन पे जाओ तो वहाँ पे जो ना आर्सेनल जरूर चार्ज करना, चाहे जैसे मर्जी आपको करना पड़े, ठीक है। अब यहाँ पे आने का मेरा सिर्फ एक मेन मोटिव था, क्योंकि मेरे को आर्सेनल चार्ज करना है यार, मेरे को बंदों से इतना ज़्यादा फाइट लेने का वो चस्का नहीं था, लेकिन जस्ट यहाँ पे एनिमीज आ चुके तो हम फाइट भी लेंगे क्योंकि किल भी निकालना जरूरी है। एंड कट्टे का पावर देख सकते हो, 2 गोली मारा मैंने मारा और खत्म। यहाँ पे एक बंदे का फुटस्टेप आ रहा है, हेडफोन जरूर यूज करना, कहीं भाई डब्बा ना बन जाओ आते के साथ ही। यहाँ पे क्लियरली एक फुटस्टेप आ रहा है, होल्ड करते हैं पहले, एंड एनिमी भी आ गया, डैमेज 1 गोली का मुश्किल से और फिनिश हो गया। भाई M187 आज के टाइम पे नेक्स्ट लेवल करना है, आप लोग जरूर यूज करना। एंड हम जो है ना मैं फटाफट से यहाँ पे चार्ज कर लूँ आर्सेनल, और सामने से मुझे काफी डैमेज पड़ रहा है। फटाफट से मैंने अपने क्रोनो को ऑन किया, ये सेकेंडरी स्किल पे मेरे को मिला था। एंड हम मेडिकेट वगैरह मार के थोड़ा पीछे की साइड में चलेंगे। सो यहाँ पे बिल्कुल राइट टाइम है ये थोड़ा सा बैकआउट होने का, क्योंकि इस वक्त अगर मैं थोड़े से पंगेबाजी लूंगा ना तो सामने एनिमी के पास हो सकता है स्कैलर वगैरह, वो मेरे को वैसे ही मार देगा। सो यहाँ पे मैंने अपना जो ना आर्सेनल चार्ज नहीं किया। अब आर्सेनल चार्ज करने का मेरा एक मेन मोटिव था, पहले मैंने आपको बोला आर्सेनल चार्ज करो, मैंने फिर बोला कि क्यों ना करो। अब वहाँ पे जो ना हद से ज़्यादा एनिमी आ चुके थे, अब आप लोग अगर आर्सेनल वगैरह चार्ज करो और वहाँ पे एक दो बंदे हो तो आप लोग उससे फाइट ले सकते हो, लेकिन अगर हद से ज़्यादा बंदे हो इस सिचुएशन में जो है ना आपको जल्दी से जल्दी जो है कवर वगैरह ले लेना है, एंड पीछे की साइड में बैकआउट हो जाना है, नहीं तो सचमुच डब्बा बन जाओगे। एंड पीछे जाते वक्त ना रोटेशन लेना मत भूलना, लाइक जोन जाते वक्त, क्योंकि आपको देखो जैसे कि मेरे को डैमेज पड़ना स्टार्ट हो गया। सो अब मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं बंदा देखता हूँ कि है कहाँ, मुझे एनिमी कहीं पर भी नहीं दिखता। सो पहले तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे नोटिस करता हूँ कि बंदे ने डैमेज कहाँ से दिया। सो अब जो है मैं रोटेशन लेते हुए जाऊँगा, लाइक मैं जो है ना हवेली का कवर लेते हुए जाऊँगा, पूरा घूमते हुए जाऊँगा, सीधा सीधा जाऊँगा तो वो एनिमी हो सकता है मुझे मार दे, बट हवेली का कवर लेते हुए जा रहा हूँ तो अब गाइस वो एनिमी का भी नहीं पता और मैं यहाँ पे सीधा सीधा जा भी पा रहा हूँ, बट फिर भी थोड़े से रिस्क ना रहे इसे थोड़ा पीछे वगैरह देखते रहना यार, क्योंकि आप लोग नहीं चाहोगे कि आप इतने रैंक के अंदर मर जाओ, क्योंकि मेरी तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 बंदे बचे हुए, सॉरी 11 बंदे। मुझे पता है आपकी इस वक्त जो है लॉबी के अंदर कम से कम 25 से 30 बंदे अलाइव होंगे, सो मैं तो अपने अकॉर्डिंग खेल रहा हूँ इस वक्त फिलहाल, लेकिन मैं आपको सारी की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देता हुआ चलूंगा। सो अब हमारा मेन पोर्शन आता है कैंपिंग का। आप लोग देखो कि मैंने मैप में कहाँ मार्क किया है। अब मेरे पास यहाँ पे जो ना मीचा है तो मैं गाड़ी की हेल्प से जो अपना कैंपिंग करने के लिए जाऊँगा। एंड गाइस कैंपिंग बेसिकली एक जगह पे जो है स्टिल बैठने को नहीं कहा जाता है, सर्वाइविंग कहा जाता है बेसिकली, अगर सही वर्ड हम बोले तो सर्वाइव करने हम लोग चलते हैं। एंड सर्वाइविंग की हेल्प से आप लोगों का इजीली ग्रैंड मास्टर लग जाएगा और हर एक गेम बॉय निकलेगा। मैं खुद सोलो विंस के अंदर बैठा हुआ इसी रीजन से। अब मेरे पास जो है ना 7th एनिवर्सरी की यहाँ पे वेस्ट है तो मुझे इसको चेंज तो करना पड़ेगा, वहाँ से मैं वेस्ट चेंज नहीं कर पाया आर्सेनल से, लेकिन यहाँ से मैं वेस्ट चेंज कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे फॉर्चुनेटली जो है ना मुझे सडनली जो है ना अपनी ग्रोजा एक्स मिल जाती है, और ग्रोजा एक्स से तगड़ी कोई और गन नहीं है सचमुच गाइस। यहाँ पे एक एनिमी है शायद ऊपर की साइड में, एल शेप में एक बंदा ऊपर चढ़ा हुआ है, तो हम थोड़ा सा ना यहाँ पे बचते बचाते जाएंगे। पहले एक नेड फेंकते हैं, क्या पता नेड से ही डैमेज वाइज में जा जाए, बट लेट्स सी। यहाँ पे 2 नेड फेंकता हूँ, एक नेड पीछे फेंकते हैं, एंड अब चलते हैं उसको ये नीचे ही आ गया लॉल। ऑल राइट वेट, इजीली फिनिश कर दिया इस एनिमी को। एंड यहाँ पे इस बंदे को मारने के बाद मेरे 5 किल कंप्लीट हो जाते हैं। एंड अब जो है ना सिर्फ आखिरी के 9 ही बंदे बचे हुए हैं, और अब आप लोगों को कैंपिंग करनी है।
अब जो है ना आप लोगों को एक स्टिल लोकेशन में बैठ जाना है। अब आप लोग सोच रहे हो भाई एल शेप में कैसे बैठोगे, पहले पीछे इधर उधर देख लेना कोई एनिमी वगैरह दिख रहा है तो उसको थोड़ा बहुत डैमेज वगैरह दे देना। एंड आप लोग कैंप कैसे करोगे वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जस्ट उसी एक घर के अंदर या फिर उसी लोकेशन के अंदर थोड़ी देर बैठना ही हमारे लिए सर्वाइविंग कहलाएगा। आप लोग ऐसी लोकेशन भी पकड़ सकते हो या फिर जो है ना एक छोटा सा पान हाउस काइंड ऑफ होता है ना वहाँ पे भी जाके अपना जो कैंपिंग वगैरह कर सकते हो, वहाँ पे भी कैंपिंग स्पॉट बना सकते हो। मैंने अपने कुछ परमानेंट कैंपिंग स्पॉट्स भी बना रखे हैं जहाँ पे मैं मोस्ट ऑफ द मैप्स के अंदर कैंपिंग ही करता हूँ, सिर्फ कैंपिंग या सर्वाइविंग, यार कैंपिंग बोलना ज्यादा और लग रहा है। एक एनिमी आ गया और ऊपर आते मेरी लैंडमाइन से फट गया। आप लोगों ने देखा लैंडमाइन का पावर, मतलब लैंडमाइन लगाओ और आराम से चिल मार के बैठ जाओ। लैंडमाइन नहीं है तो जो सीढ़ी पे ही बैठे रहना, इधर उधर मत जाना क्योंकि एनिमी ना अचानक से आ जाता है, आपके हेडफोन्स भी किसी काम के नहीं रह जाएंगे। सो अब यहाँ पे देख सकते मेरे 7 किल हो चुके हैं, आखिरी के सिर्फ 5 बंदे लाइव हैं। अब हमें थोड़ा सा सीरियस होने का टाइम आ चुका है क्योंकि अगर हम अब सीरियस नहीं होंगे तो हमारा गेम बोया मिस हो जाएगा। सो पूरी गेम के जो ना आखिरी के 3 ही बंदे बचे हैं, अब जो है ना गाइस आपको फाइट लेना ही पड़ेगा। अब आपकी कोई सर्वाइविंग, कोई कैंपिंग या बैठे रहना कुछ काम नहीं आने वाला है। अब इस पोजीशन पे बोया निकालने के लिए हर एक एनिमी के साथ फाइट लो, उसके अलावा कोई और ट्रिक नहीं है। यहाँ पे एक बंदे ने पोर्टल लगा रखा था सो उसके पोर्टल का इस्तेमाल करके पहले मैं पीछे निकल जाऊँ, एंड वो कोई और बंदा नहीं मैं ही था। तो यहाँ पे मेरे पोर्टल लगा के पीछे की साइड में आते ही एक एनिमी का फ्री किल मेरे को मिल जाता है। मेरे पोर्टल लगाने का कुछ तो फायदा हुआ। ऑलराइट हम वापस से पोर्टल की हेल्प से आगे चलते हैं क्योंकि अब मेरा वेस्ट वगैरह रिपेयर है, अब मैं फाइट वगैरह ले सकता हूँ। और आप लोग 7th एनिवर्सरी की वहाँ पे हेलमेट और वेस्ट पे कभी भरोसा मत करना गाइस, उसकी जगह आप लोग 2 लेवल का हेलमेट वेस्ट ले लोगे वो ज़्यादा हेल्प आपकी कर देगा। ऊपर की साइड में एक एनिमी है, उसका हेड का एम लेने का मैंने ट्राई किया लेकिन मैंने अपनी वॉल को डैमेज दे दिया लॉल। सो एक काम करते हैं थोड़ी देर यहीं पे होल्ड करते हैं पेशेंटली, और कोई ऑप्शन नहीं है। एक काम करता हूँ पीछे पेड़ वाली साइड में चला जाता हूँ, एटलीस्ट वहाँ पे परमानेंट कवर तो है। सो जब आखिरी के 2 ही बंदे बचे ना आप लोग ना जस्ट पीछे जो है ना घी डालने का काम करना एंड सामने उन बंदों को जलने देना, यानी कि फाइट लेने देना। सो अब यहाँ पे जो है ना एक एनिमी अपने आप ही मर जाता है जस्ट नेड़ फेंके। अब आखिरी का बंदा बचा है, ऑब्वियसली यार इसको तो मार के ही बोया निकालना पड़ेगा तो सीधा रश मार दो। वो बंदा वैसे ही घबराया पड़ा है, एक बंदे से लड़ गया, आप लोग तब तक रश मार दो। यहाँ पे मैंने उसके ऊपर 2 नेड़ फेंक दिए, किसी ना किसी नेड़ से एटलीस्ट थोड़ा सा तो डैमेज आएगा और जिस नेट से डैमेज आ गया वैसे हम लोग रश मार देंगे। एंड यहाँ पे जस्ट मैंने ट्राई किया लेकिन एक भी नेट से डैमेज आ गया एंड डैमेज दिया मैंने अगेन कट्टे से। और यहाँ पे ये बंदा वॉल वगैरह डाल के पीछे की साइड बैकआउट कर रहा है, अगेन डैमेज दिया। यार इजीली फिनिश कर दिया। यहाँ पे देखते 9 किल के साथ ये गेम प्ले किया मैंने गाइस, आप लोग देख सकते हो 9 किल सर्वाइविंग की वीडियो के अंदर 9 किल। सीरियसली ये सिर्फ बॉट लॉबी की ग्लिच की वजह से हुआ है एंड उसके अलावा मेरी ट्रिक काफी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। एंड बॉट लॉबी की ग्लिच के लिए 1500 से 2000 लाइक कंप्लीट कराओ, जल्दी वीडियो आ जाएगा। सो गाइस आई नो कि बीच के अंदर मेरे लॉबी की वजह से काफी ज्यादा मिस्टेक्स हो सकता है क्योंकि मैंने आपको काफी सारी चीजें नहीं बता पाया जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा काफी हार्ड लॉबी नहीं आया। लेकिन मेरा एक सिंपल सजेशन रहेगा कि आप लोग एक प्रॉपरली लैंड करो, ब्लू जोन के अंदर लैंड करो क्योंकि 3 मिनट तक आपको रिवाइवल पॉइंट मिलता है। सो वहाँ पे प्रॉपरली लैंड करो एंड लैंड करने के बाद ढंग का लूट वगैरह लो और ढंग के लूट के बाद जो है अपना गेम को आगे प्रिज्यूम करो। नहीं तो गाइज आप लोग अगर स्टार्टिंग के अंदर ही थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर नहीं खेलोगे तो एंडिंग के अंदर ही आप कॉन्फिडेंट होकर नहीं खेल पाओगे और आपका बोया मिस हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि कैंपिंग की वजह से आपका बोया मिस हो क्योंकि कैंपिंग के अंदर हमें काफ़ी देर सर्वाइविंग करना पड़ जाता है एंड सर्वाइविंग की वजह से हमारी आदत बहुत बिगड़ जाती है। सो आप सर्वाइविंग भी करो, कैंपिंग भी करो, आप लोग रश भी करो, सब कुछ करो। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। सो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे सेकंड चैनल पे जाके जो ना एक इस वाली वीडियो को देख लेना, इस वीडियो के अंदर हमारे एक स्पेशल गेस्ट आए थे तो आप लोग उनसे जाके मिल सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस और सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना।